नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नर्सरी राष्ट्रीय पौधशाला में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सर्दी के मौसम में गुड़हल के पौध से ज़्यादा फूल कैसे लें और ठंड मौसम में गुड़हल के पौध को कैसे केयर करें, उन्हीं सब चीज़ों को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। दोस्तों, सर्दी के मौसम में गुड़हल के पौध में जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है वैसे ये पौधा डोरमेंसी में चला जाता है, यानी सो जाता है। इसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाती है, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से रूट की ग्रोथ कम होने लगती है और कलियाँ बनना बंद हो जाती है और फूल आना एकदम से बंद हो जाता है। मौसम का सबसे ज़्यादा असर आपको देसी गुड़हल के पौध में देखने को मिलेगा और ये जो वीडियो में दिख रहा है ये देसी गुड़हल का पौधा है। दोस्तों, देसी गुड़हल के पौध में अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका देसी गुड़हल डोरमेंसी में नहीं जाएगा। इसके ऊपर भी कलियाँ बनेंगी, फ्लावरिंग मिलेंगी, फ्लावर छोटे छोटे ज़रूर होंगे साइज में, लेकिन फूल आपको देसी गुड़हल देता रहेगा। दोस्तों, गुड़हल के पौध को पूरे दिन की धूप में रखें क्योंकि इस समय सर्दियां हैं, धूप वैसे भी कम हो जाता है और टेम्परेचर भी काफ़ी कम हो जाता है। तो अगर आप पूरे दिन इसको धूप में वाली जगह पर रखेंगे तभी इसमें कलियां बनेंगी, ये ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग होगी। अगर आप इसे ऐसी जगह पर रख देते हैं जहां धूप नहीं आ रही है तो इसमें कलियां कम हो जाएंगी और फूल आएगा वो साइज में बहुत ही छोटा। तो दोस्तों, गुड़हल के पौधों पर पानी की मात्रा का भी ध्यान रखना है। अगर आप पानी की मात्रा ज़्यादा रखेंगे तो मिट्टी में पानी भरा रहेगा तो गुड़हल की पत्ती पीला होकर गिरने लगेंगी। गुड़हल में आपको हल्की नमी बनाकर ही रखें। दोस्तों, गुड़हल के पौध को फर्टिलाइज़र में जैविक खाद डालकर गुड़ाई करते रहें जिससे पौधा हरा भरा बना रहे। इस समय धूप कम होने की वजह से और मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से कीड़े काफ़ी आसानी से गुड़हल के पौधों में लग जाते हैं, खासकर मिलीबग और एफिडस बहुत सारे आकर लग जाते हैं। तो इसे आप कैसे ठीक करें? जैसे ही आपके गुड़हल का पत्ता खराब होता दिखाई दे या ऐसा कोई पत्ता जिसके ऊपर कीड़ा लगा दिखाई दे तो तुरंत इसे आप इसको हटा दीजिए। यह एक नेचुरल सॉल्यूशन है किसी भी पौधा को इंसेक्ट से बचाने का। दोस्तों, अगर आपके गुड़हल के पौध में कलियाँ गिर रही हैं या कीड़े लगे हुए हैं तो इसमें आप इंसेक्टीसाइड एक्जोडस और कॉन्फिडोर इन दोनों का स्प्रे करें और ये बहुत ही गुड़हल के लिए रामबाण दवा है। दोस्तों, कॉन्फिडोर को 1 लीटर पानी में 1 ml घोलकर आप गुड़हल के पौधों के मिट्टी में डाल दीजिए। मिट्टी में डालने से जो इंसेक्ट हैं वो सिस्टम में जाकर कलियां में जो कीड़े बन गए हैं उसे ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए हो तो एक लाइक ज़रूर करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।